हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाजी, आज हमारी सोसाइटी में कैसे मेहमान आने वाले हैं? हाँ। ये बड़े ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, ये एक्टर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं। क्या क्या हैं? और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे फिट और हैंडसम हैं। वाह, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी टैलेंटेड हिमेश रेशमिया सर। इतनी एनर्जी। कपिल शर्मा माइक ठीक है चल रहा है सर? आपके भी ये लेपल भी है? बहुत ज्यादा बजट है, दो दो माइक। ये फिटनेस का राज इनसे सीखा है। ये देखिए कितने पतले हो गए हैं और फिट हो गए हैं, अब एब्स भी निकले आएंगे। अच्छा सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। नई एनर्जी लेके आए आप। और पाजी, मुझे तो लगता है स्टेज ही फाड़ देंगे आज। पाजी देख लो, हिमेश सर ने इतने हिट हिट सॉन्ग, सुपर डुपर हिट, और वो भी बैक टू बैक, ढेर सारा पैसा कमाया, भगवान आपको और दे। इतनी लंबी गाड़ी में आए हैं, किस चीज की फिक्र है, क्यों सूखते जा रहे हैं आप? देखिए, नाक से गाने में आदमी दुबला हो जाता है, ये राज की बात मैं आज आपके शो पे बता रहा हूं। आप लोग नाक से मत गाइएगा, क्योंकि नाक से गाने में 10 times एनर्जी लगती है सर। पर सर, हमें तो नहीं लगता आप नाक से गाते हैं। मुंह आप, मैंने माइक देखा, आपने इधर रखा हुआ था, इधर तो रखा ही नहीं था। अभी जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ हैं। नहीं नहीं, वो लोग प्यार करते हैं, और देखिए नाक की वजह से ही कुछ हो सका है मेरा, तो मैं समझता हूँ नाक से गाना अच्छा है। नाक बची हुई है सर, और क्या चाहिए। हिमेश भाई, आपको याद है कितने 100 गाने बना चुके होंगे आप अभी तक? अभी 700 टच करने वाले हैं। क्या बात है। 675 के ऊपर हो गए, 115 फिल्में हो गई। तो आपसे मौसीकी का अभी हाँ। कितने मिलियन हो गए? 25 मिलियन हिट्स हो चुके हैं। यहाँ सिल्वर जुबली एपिसोड बनाने आए हैं हम लोग। कपिल शर्मा शो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे 10 times ऊपर जाना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। थैंक यू। और वो आज इन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि मुझे ऑलवेज लग रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट आपका बहुत हिट होता है तो उसके बाद जब आता है तो बहुत उस पर नजर रहती है, और वो चीज आपकी कमाल की टीम ने कमाल कर दिया। और कपिल शर्मा शो के लिए मैंने एक गाना भी बनाया है। क्या बात है सर। और कमाल गाना। वाह जरूर। और मैं सोच रहा हूँ कि ये गाना आप अपने जिंगल में ले लोगे सर तो और बहुत मजा आएगा। आइकॉन करो फटाफट सर, फटाफट तो ट्राई कर ले। अरे छोके, आर यू रेडी? गिनी आशीष आप मेजर मूड लाइटिंग महंगी वाली। अब इतना अच्छा आपने गाना बनाया है, बदले में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सरकार। सर, इस एपिसोड के बाद ये जैकेट आप मुझे दे देंगे तो आपकी मेहरबानी। अभी एपिसोड के बाद, अभी मैंने अभी ये पहनी हुई ना, अभी पहले मैं जिसकी ये उसको वापस करूंगा, फिर मैं ये पहनूंगा। आई लव यू सर, आई लव यू। आइए हिमेश सर। ओए गा आप रहे थे, मैं थक गया। सुपर एनर्जी बाजी, क्या बात है। तो हिमेश भाई, आपने मतलब माशाल्लाह अच्छी बात है जी जी, एक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, काफी डिपार्टमेंट आपने संभाले हुए हैं, तो ये टैक्स से बचने के लिए कि किसी को काम नहीं देना चाहते? नहीं, अभी नई नई चीजें करने का शौक है, और लगे रहो मुन्ना भाई अपनी फॉर्मूला है बस। क्या बात है, यही होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई की जो एल्बम है ये आपसे मौसीकी, 25 मिलियन ऑलरेडी हिट हो चुके, एक बार फिर से तालियां बनती हैं भाई। जो मौसीकी होती है, संगीत जैसे कहते हैं आपसे मौसीकी, तो इसमें सब कुछ मौसीकी होती, मौसा का कुछ नहीं? देखिए मौसीकी एक ऐसा वर्ड है जिसकी म्यूजिक हम लोग एवरीडे जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड शायद ही बहुत कम लोग जो जानकार हैं वो जानते हैं। तो मुझे लगा उर्दू के, तो मुझे लगा कि मौसीकी पे एक ये एल्बम होना चाहिए, बिकॉज मौसीकी मीन्स म्यूजिक। लेकिन बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि कपिल शर्मा शो पे आकर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई मौसा काका क्या होगा। बड़ा आउटस्टैंडिंग, नॉलेज बढ़ाता रहता है सर, थोड़ी भी होता ऐसे ही मतलब। अच्छा हिमेश भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, सारी मेहनत आप करते हो, सारा कंपोज करते हो, गाते भी हो, उसके बाद नाम आप क्रेडिट दूसरों को देते हो, आपका सुरूर, आपकी मौसीकी करते तो सर आप हो, आपका क्यों मतलब? यू लाइक अरविंद केजरीवाल? सर आपका जो टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, आप मुझे मेरी एनर्जी के लिए कहते हैं, ये टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप में आता है, आपसे कहाँ से आता है? मैं तो पूरी क्रेडिट आपको देता हूं। अब आपने ना तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी, अब मैं शर्मिंदा रहा हूँ कि सच्ची में तारीफ कर रहे हैं कि मेरी खिंचाई कर रहे हैं।
सर आपकी कोई ऊंचाई कर नहीं सकता. थैंक यू सर. क्योंकि आप जेन्युइनली उस टैलेंट, ट्रू टैलेंट, जो आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सर. दो लाइनें और. सुपर, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग. और एक नया वर्ड, हिस्टोरिक. ओ, एक लाइन और. थैंक यू मैं मजाक कर रहा हूँ. बैठिए सर. आप जैसे स्टार से जब ऐसी इंस्पिरेशनल बातें सुनने को मिलती ना सर, तो और एनर्जी आती बॉडी में. अब ये जो शो है एक्चुअली सर ये त्योहार जैसा है. लोग इतना प्यार करते हैं और ये त्योहार सालों साल चलता रहेगा. अब आपके प्यार की वजह से शुक्रिया. हिमेश भाई ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो है वो अपने म्यूजिक में जो मौका दिया, बहुत सारा टैलेंट हमें दिखा. और इस बार इन्होंने एक इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो मौका दे रहे हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड यूलिया. थैंक यू वेरी मच. आई लव यू. आई मीन लव यू टू. ओके, इट्स डन. नो, अभी तो शुरुआत हुई है. कैसे कैसे आइए प्लीज. यूलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक माय गद्दी आल्सो. हाउ स्वीट. थैंक यू. यू वेलकम. थैंक यू. सो हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. यूलिया, यूलिया आपका नाम बेसिकली यूलिया. यू यस प्रोनाउंस यूलिया. यूलिया एंड द स्पेलिंग्स आर आई यू एल आई ए. So I thank God, you know. I mean, why I? Thank God. Everyone is calling me Lulia, Lolia. But Lolia I like because it's coming from a kid that I love. So अगर इंडियन किसी इंडियन ने आपका नाम यूलिया लोलिया भी बोल दिया तो समझो होलिया, मतलब काफी है हमारे लिए. हमारे इधर ऐसे नाम जो होते हैं हमारे इधर नहीं मिलते. हमारे मिलेगी रेनू, सुमन हो गई. ओके. हाँ, यूलिया तो हम मर ना जाते अभी तक. तो मतलब वही बात है कि आई जो है, आई क्यों मतलब लगता है कि यू आर सेइंग दैट आई यूलिया. आई यूलिया. तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि यू आर यूलिया. हम तो नहीं यूलिया. नहीं. यू, आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आस्क्ड मी व्हाट्स माय नेम. यूलिया. यूलिया. यू लिया. मैं यूलिया. यूलिया. यस. आपने कुछ लिया? जूस लिया? जूस लिया. आई मीन वुड यू लाइक टू हैव समथिंग. वैसे मैं अपने किसी गेस्ट से नहीं पूछता, बट आपके लिए स्पेशल 20 रुपए का बजट रखा हमने. उसके अंडर कुछ आप मंगवा सकती हैं. ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, सीताफल जूस. सीताफल महंगा. नहीं, सीताफल नहीं. सीताफल. यार सीताफल बड़ी देर बाद सुना मैंने शब्द. What do you call सीताफल in English? Pineapple. No. Custard apple. Custard apple. Yeah. It's my favorite fruit here. सीताफल तो मैंने खाया, custard apple का नहीं मेरे को idea. You don't like it? I like very much. I mean, I like you, so I like सीताफल also. Seriously, सीताफल juice आना चाहिए दादा. पता क्यों ना आया? बहुत बेइज्जती. फिर काय का हिट शो है, जूस ही नहीं आया तो. जूस सीताफल. सीरियसली इधर आइए. इट्स ओके, आई अप्रिशिएट द एफर्ट. इट्स फाइन. नो, आई विल. द एफर्ट इज. आई विल कॉल जूस वाला हेयर. सीताफल जूस लेके आना, ठीक है? हाँ. इफ नॉट शुगर केन जूस. शुगर केन जूस. गन्ना होता ना, गन्ना. गन्ने का जूस भी चलेगा. इफ नॉट सर कुछ नहीं लेंगे सर. अच्छा, पाइनएप्पल जूस. पाइनएप्पल. एक चीज बताओ, कंफ्यूज कर रहे हो आप. एक काम करो, फ्रूट वाले को बोलो टोकरी लेके आ जाए, जिस जिस का जूस निकालना होगा निकाल देंगे. अब जाओ. थैंक यू. यू आर वेलकम. यू टेल मी व्हाट शुड वी टॉक. I don't know. I mean, you ask me. Are you curious? In what you are comfortable. I can talk on anything. I'm very comfortable here. Look at this audience. They are so nice. Yeah. Yes. They are nice. They have to be nice because entry is free, na? We are not charging anything. But I'm sure they love it here. You like it here? Yeah. Yeah. I like it. The energy. You don't feel that you are sitting in for a TV show. It's like a rally. We are going to elect.
बहुत अच्छा लगा। या, बहुत अच्छा। अरे हिमेश भाई, आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? सरकार, मैं वो वर्ड सुनने के लिए उत्सुक हूँ। You know what's the meaning of उत्सुक? No. I'm very like anxious. I am to see you. उत्सुक means? हैं? Eager, eager. Eager. उत्सुक होता है। Eager. उत्सुक होता है keen. पूछा मैंने? Keen. 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 Hello. So please, वो जो keen हो आप, वो line बोली थी। मैं बहुत keen हूँ कि ये वो पहला शब्द कपिल शर्मा शो पे जो हिंदी का बोले, जो ऑडियंस पहली बार यूलिया से हमेशा हिंदी गाना तो सुन चुकी है और हिंदी में डायलॉग भी सुन ले। लेट द ऑडियंस से दैट वर्ड यूलिया, दैट ब्यूटीफुल। फर्स्ट टेक जूस प्लीज, आई एम मोर वरीड अबाउट योर हेल्थ। सारे एप्पल मंगा लिए। दिस जूस, आई एम वरीड अबाउट माय हेल्थ टू। Honestly, एक काम करना, मैं थोड़ा सा मेरे को दे देना। Can you please taste it for me first to be sure? चेक करूं? Please. स्ट्रॉ के साथ के खोल के ऐसे ही। मेरे को स्ट्रॉ में मजा नहीं आता, थोड़ा आता है, क्वांटिटी बहुत कम आती है। हमारा मुंह वो पूरा। It's good. I can see it on your face. It's very good. मैं पी लेता हूँ। Yeah. Keep it for later then. आप अब आपको नहीं देना। I'm not so thirsty now. It's fine. No, it's very tasty actually. Yeah, yeah. You can have. Yeah. Thank you. It's very safe. Thank you. You're always welcome. अच्छा हिमेश भाई, एक बात बताइए, आपको यूलिया से गाना गवाने का ख्याल कैसे आया? I mean, देखिए, आपने इनको गाते सुना था कहीं? तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ्जों में बयान ना हो पाए, ये गाना का जो जर्म है वो यूलिया की वजह से है। क्या बात है। यूलिया ने मुझे वो गाना फोन पर सुनाया था। सलमान भाई ने मुझे कहा रात को फोन करके कि ये ट्यून सुन। अच्छा। तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने वो लाइन रोमानिया की लैंग्वेज में सुनकर मुझे लगा कि वेरी डिवाइन वॉइस, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वॉइस जी, जो धमाका मचा सकता है। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि एक गाना मैं उनको डेफिनेटली ऑफर करूंगा और मैंने एवरी नाइट एंड डे आपसे मौसीकी एल्बम का गाना उनको भेजा, उनको पसंद आया जी। वो यहाँ पर आई, उन्होंने जब डब किया और फ्लैट 2 घंटे में डब किया विदाउट एनी पिच करेक्शन। इस गाने में इनके लिए कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं की गई है, वो आप अभी भी लाइव जब सुने तो आपको लगेगा। एंड शी इज सो परफेक्ट इन हर सुर। गाना तो आपने एवरी नाइट एंड डे उनकी आवाज में सुनी लिया, लेकिन तेरी मेरी का वो जर्म मैं जरूर चाहूंगा कि वो पहली बार सुने, जिससे मैं इंस्पायर हुआ था। मैं सोनी टीवी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो यूलिया के लिए तालियां बजाई जाए और क्राइम पेट्रोल वालों को भी कहा जाए कि वो भी बजाएं, इंडियन आइडल वालों को भी कहा जाए कि वो भी बजाएं। सब शो में तालियां, बगल में दूसरे चैनल्स के भी चल रहे हैं, सब तालियां बजाएंगे आपके लिए। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच यूलिया। यस, ये ऐसे खूबसूरत लोगों के दिलों में से ही आता है। यू गॉट व्हाट आई सेड? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। He is saying you're beautiful. मैं समझा दूँ? समझा दो आपको, आपको ज्यादा समझ आ रहा आज मेरे को पता है। देख के उसको दिल हसीन सपनों में खो गया है। अरे उसके सामने तो आईना भी मदहोश हो गया है। अब तक तो बस लोकल कॉल लगते थे यहाँ से, आज तो महफिल का माहौल इंटरनेशनल रोमिंग हो गया है। He is the Mr. Sidhu. I know who is. My name so is... he is only sir. आप translate कर दीजिए. Okay, I will explain you. He is a multi-talented guy. Yes. And he knows everything. Yes. If you talk to him about Indian politics, American politics, Bollywood, Hollywood, he knows everything. About and Romanian politics, maybe. Yeah, everything. No. When Google don't have anything, Google type Sidhu. मैंने प्रेस की आपकी, मैंने इतनी खूबसूरत तारीफ की इंग्लिश में पाजी यार आप। मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई आपके बारे में, मैंने ये तो बताया नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैंने I'm impressed. I don't need Google, I have seen it. तो लग गए बात हो गई। बातें बातें चलो, जितनी भी समझ में आ रही मजा बढ़ा रहा है। एक्चुअली यूलिया, आप में और मेरे में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप रोमानिया से हैं
मैं रोमांटिक हूँ. आई मीन हमारा रोम रोम तो मिल ही रहा है. सो इज देयर एनी चांस ऑफ एंस लेफ्ट, बाकी जो एंस बच गया, रोम तो मिल गया. ओके आई मुझे नहीं लगता है. रह, कुछ और बात करते हैं. सो हाउ यू आर सो रोमांटिक. It's just you know who is the who is the romance king in Bollywood? Of course I know. Yes. And be careful, don't mess up with my friends. Shah Rukh is your friend? फिर तो मेरे से romance क्यों करेंगे? ये तो dealer को जानती हैं सीधा ही. हम तो थोक परचून वाले हैं, door to door sale वाले. Okay, I will not ask you anything like this after this bejati. But I'm happy you are sitting next to me. I'm happy too. And he is also happy. We both. Actually, I'm very happy that he is next to me. Thank you. Hello. Hello. Hi, myself, Dr. Mishra Gulati. You. आज भी मैं करने दूँगा. यार मैं जानबूझ के हर बार जाता हूँ कि तुम गिराते हो तो मेरा बेनिफिट हो जाता है. तो आज तुमने डेढ़ शाने. हेलो, यू आर अ ट्रेंडसेटर, लुक एट यू, आई लव योर टोमेटोस. बहुत अच्छा. आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, एच एन वाई. क्या मतलब? पहला एच एन वाई हैप्पी न्यू ईयर, दूसरा एच एन वाई हिमेश एंड यूलिया. इतना नहीं पता अभी कोई आदमी विश कर रहा है. नहीं पता था. 8 दिन हो गए नए साल चढ़े को, अब आपके विश कर रहे हैं आप. तो लगवा देते ना मेरा वीजा, मैं रोमानिया जाके विश करके आ जाता. यूलिया, आई मस्ट से यू हैव अ पावर ऑफ 5. एक्चुअली फिगर आउट व्हाई आई एम अपसेट. यस, बिकॉज मैंने आपको लेटर लिखा था. यू रोट डाउन अ लेटर. आई हैड रिटन अ लेटर टू यू. यू कैन सी द लेटर दिस आई हैड रिटन टू यू. यू हैव नॉट रिप्लाइड टू मी. ये आपने लिखा है? हाँ जी. तो उनके पास होना चाहिए ना, आपके पास क्यों है? तो फिर मैंने लिखा तो मेरे पास ही होगा ना, तुम्हारे पास थोड़ी होगा. पागल हो आप? मैं पागल वाली क्या बात है. इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है महेश जी इस आदमी को. हाँ जी, 2017 के स्टुपिड पर्सन ये. आप ये कह लीजिए स्टुपिड. नौ साल हो गए. डजंट नो द सेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ. अच्छा, कोई नहीं, इतनी इंग्लिश ना बोलो, कल भी बोल ली है, क्या हुआ? मैंने ये लेटर लिखा. हाँ, मैंने इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. ओके. अच्छा, मेरे को नहीं पता था भी रोमानिया कहीं बाहर है, मेरे को लगा गुजरात में है, भुज के पास. तो वापस ले आए मैंने मेरे पास लेटर. ओ डॉक्टर साहब, आप बड़े क्यूट. मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से. हाँ जी. मैंने आज से आपके साथ लड़ना नहीं है, मैंने सीधे मुक्के मारने हैं आपको. ओके, दिस लेटर आई हैड रिटन टू यू वी सुंट माय मिटस निरसाव फाटानु पोआटे इन जानिशा युबे आशका. आ ओके, या मेक सेंस. व्हाट इज दिस? आई हैव नो आईडिया. मैंने ना आई हैव नोटिस्ड वन थिंग बट इंटरनेट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना आप. डजंट मेक एनी सेंस. कड़क है ये. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.